हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर अमन्ना गुप्ता मेकअप आर्टिस्ट एंड यूर वाचिंग माय चैनल परफेक्ट एंड मेकअप स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी मैं अपने ब्रशेस को किस तरीके से साफ़ करती हूँ, इनको साफ़ करने का तरीका क्या है, जिससे ये सालों साल मेरे ब्रशेस आज भी इतने सॉफ्ट हैं और बहुत अच्छे से मैं इनका काम कर लेती हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ डव का शैम्पू, और ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने अमेजोन से लिया था। इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिससे ब्रशेस जल्दी क्लीन हो जाते हैं और ब्रशेस के जो हेयर हैं वो भी ख़राब नहीं होते। आप जैसे कि देख रहे हैं इसमें टेक्स्चर बने हुए हैं, तो आपको इस आपने अपने ब्रश लेने हैं, शैम्पू डालना है और इस टेक्स्चर के ऊपर इस तरीके से घुमाते रहना है आराम आराम से, क्योंकि अगर आप मतलब जो स्ट्रक्चर है उसी के तरीके से आप घुमाते रहेंगे तो वो इजीली साफ़ ही हो जाएंगे, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बीच बीच में आप ये जो प्रोडक्ट है, जो ब्रश क्लीनर है, इसको बीच में धोते रहें और रिपीट से शैम्पू लेते रहें और अपने ब्रशेस को क्लीन करते रहें। दोस्तों, ब्रश अगर आप सही ढंग से क्लीन नहीं करेंगे, सही ढंग से ड्राई नहीं करेंगे, तो क्या होंगे, ये चुभने लग जाएंगे, क्लाइंट के चेहरे पर दाने आ जाएंगे। यस, ना कि प्रोडक्ट के कारण, बल्कि कभी कभी ये जो हमारे ब्रशेस होते हैं ये सही नहीं होते तो उसकी वजह से भी दाने आ जाते हैं। तो इन ब्रशेस को आपको बहुत मतलब कि फ्रिक्वेंटली नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैं मेकअप ये ब्रश क्लीनर भी यूज़ करती हूँ। और अपना जब मेरे ब्रशेस 8 से 10 बार यूज़ हो लेते हैं तब मैं पानी से वॉश करती हूँ। तो मेरे दोनों टाइप से मतलब ब्रश के अंदर प्रोडक्ट नहीं छोड़ती हूँ। तो अगर आप ब्रश को ऐसे टाइम से धोते रहेंगे, और माइल्ड शैम्पू यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डव का शैम्पू यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मतलब मुझे, मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है शैम्पू। आप बेबी शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, वो लिटिल बिटी से एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मैंने डव का जब यूज़ किया तो डव से मेरे ब्रशेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रशेस का धोने का तरीका भी देखो, आपको ऊपर की तरफ खड़े करके ब्रशेस धोने हैं। अगर इनका जो ये वाइट कलर का पोर्शन देख रहे हैं स्टील वाला, इस पोर्शन को आप गीला करेंगे तो आपके ब्रशेस लूज पड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से धोने सिर्फ उनके जो आगे ब्रशल्स हैं इसके ऊपर पानी जाए। तो अगर आपने स्टील वाले पोर्शन को धो दिया तो जो आपका नीचे वुड वाला जो पोर्शन है वो लूज पड़ जाएगा और आपका जो ब्रश है वो निकल जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो हम नीचे वाले पोर्शन को बाद में एक ड्राई कपड़े से पूछ लेंगे। आपको ये धोने का तरीका आ गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि सही विधि क्या है इनको ड्राई करने की। इसको कॉटन के टॉवल में आप ले ले और उसको अपने एक मतलब एक ऐसे प्लेस पे रख दे जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप भी ना आती हो और बहुत ज़्यादा हवा भी ना चल रही हो। अब इसके बाद क्या करूँगी, मैंने जो टॉवल में धो के लाई थी वो गीला था, अब उससे मैं अपने कॉटन टिश्यू पे रिप्लेस कर दूँगी सारे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ब्लेंडर्स भी धोए हैं और इसका मैंने एक शॉट डाला, अब वो ज़रूर देखिए इसको भी धोने का एक एग्जैक्ट तरीका होना चाहिए जिससे वो ख़राब ना हो। तो मैंने सब रिप्लेस कर दिए हैं अपने कॉटन टिश्यू के ऊपर, और नीचे से जो इनके हैंडल्स हैं इनको मैं एक गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। मैंने आपसे फिर दोबारा रिपीट करती हूँ कि स्टील वाला पोर्शन जो है, इनका जो कनेक्शन है बीच में जहाँ से बैंड है, वहाँ से आपको बिल्कुल भी गीला नहीं करना, अदरवाइज आपके ब्रश लूज़ हो जाएंगे और वो निकल जाएंगे। तो ब्रशेस को मैंने इस प्रकार से इस पर फैला दिया है। अब इनको फैलाने के बाद मैं इनको एक और टिश्यू से, कॉटन टिश्यू ही आपको यूज़ करना है, एक और कॉटन टिश्यू से कवर कर दूंगी, जिससे क्या होगा कि ये नेचुरल वे में सूखेंगे। और इनको नेचुरल वे में ही ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, ड्रायर बिल्कुल भी नहीं करना। ड्रायर करने से क्या हो गया, आपके जो ब्रिशल्स हैं वो फिर से गर्म हो जाएंगे, हीट के आने से वो लूज़ भी हो सकते हैं और आपके जो ब्रिशल्स हैं वो सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको ड्रायर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, इनको नेचुरल वे में ही सूखने देना है। तो मैंने बताया आपको, इसके ऊपर आप कॉटन टॉवल, कॉटन टिश्यू अपना फिर से डाल देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे। इससे क्या होगा, अब वो ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों तरफ से कॉटन टिश्यू होने की वजह से जल्दी अच्छे ढंग से ड्राई होंगे नेचुरल वे में। इसको हवा नहीं लगेगी, इसको किसी तरह की हीट या धूप नहीं लगेगी। अब ये आराम से रेस्ट करेंगे, सोएंगे और अपने नेचुरल वे में सूख जाएंगे। और आप फिर अब ये रेडी हैं आपके यूज़ करने के लिए। बाय, टेक केयर।